हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा एलायंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डेली करेंट अफेयर्स सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेस सो लेट्स बिगिन आवर सेशन आवर फर्स्ट टॉपिक इज टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन तो हम जानेंगे टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन के बारे में

टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन होता है क्या पहले इसको समझते हैं टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन रिफर्स टू दी चेंज इन अर्थ क्रस्ट काउज बाई मूवमेंट एंड इंट्रेक्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इट इंक्लूड सच एज फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड अपलिफ्ट अपलिफ्टी अर्थ सर्फेस एंड गिव राइट टू फीचर लाइक माउंटेन वैली एंड अर्थकवे जो टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन होता है ये रिफर करता है जो बदलाव आता है अर्थ के क्रस्ट में मूवमेंट या इंट्रेक्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट के कारण ये इंक्लूड करता है जो प्रोसेस है जैसे कि फोल्डिंग फोल्टिंग और अपलिफ्ट को जो कि सेप करता है अर्थ के सरफेस को और राइज करता है फीचर्स जैसे कि माउंटेन वैली और अर्थवे को फाइंडिंग क्या पाया गया इस स्टडी पे ये जो स्टडी था ये फोकस कर रहा था पीडमोन्ट जोन के ऊपर जो कि ट्रांजिशन एरिया है माउंटेन और एडजेशन प्लेन के बीच का बिटवीन घाघर और यमुना रिवर बेसिन के यहाँ पे पाया गया क्लियर एविडेंस ऑन गोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटी का ये जो एक्टिव डिफॉर्मेशन है इसका पोटेंशियल है कि वो ट्रेंड कर सकता है पीडमोन जोन को फ्यूचर सिस्मिक हजार एरिया पे रिसर्च ऑल्सो सजेस्ट दी में रोल इन दी एक्सटेंशन ऑफ दरस्वती रिवर दान फ्लो दी रीजन और जो रिसर्च है ये ये भी सजेस्ट कर रहा है की ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है इसका एक रोल हो सकता है एक्सटेंशन में वेदिक सरस्वती रिवर के जो की एक समय फ्लो करते थे इस रीजन से सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग क्या महत्व है इस फाइंडिंग का फाइंडिंग हाईलाइट द नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग पेलियोसिस्मिक स्टडी एंड सार इंटरफेरोमेट्री टू बेटर अंडरस्टैंड द रीजन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेंथ एक्मुलेशन ये जो फाइंडिंग है यह हाईलाइट कर रहा है जो आवश्यकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जिसमें की पेलियो सिस्मिक स्टडी और सार इंटरफेरोमेट्री है ताकि अच्छे तरीके से समझा जा सके रीजन के स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेंथ एक फॉल्ट लाइन इन द हिमालय जो फॉल्ट लाइन है हिमालय का इसको समझ लें तो हिमालय फ्रंटल फोल्ट एच एफ एफ इट इज अजर थ्रेड फोल्ट एट दी फ्रंट ऑफ द हिमालय सेपरेटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द यूरेसियन प्लेट ये मेजर थ्रस्ट फोल्ट है आपका फ्रंट में हिमालय के जो की सेपरेट करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूरेशियन प्लेट से मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी ये एक सिग्निफिकेंट फोल्ट है हिमालय का जो की बाउंड्री बनाता है लेसर हिमालय और सब हिमालय के बीच में एमसीटी मेन सेंट्रल सेपरेट दिसरेट लेसर हिमालय फ्रॉम ग्रेटर हिमालय एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय और मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये फॉल्ट सेपरेट करता है लेसर हिमालय को ग्रेटर हिमालय से और ये रिस्पॉन्सिबल है अपलिफ्ट के लिए ग्रेटर हिमालय का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट होगी आपका फिर टेथिन ट्रस्ट मेन सेंट्रल ट्रस्ट मेन बाउंड्री ट्रस्ट सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड तो हम जानेंगे सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में साइटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैव मेड प्रोग्रेस इन आइडेंटिफाइंग दि सोर्सेज ऑफ सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड विच इन्फ्लुएंस interplanetary magnetic मैग्नेटिक स्पेस एंड प्ले significant रोल इन स्पेस वेदर जो साइंटिस्ट है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के उन्होंने प्रोग्रेस किया है आइडेंटिफाई करने में जो सोर्स है सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड का जो कि प्रभाव डालता है इंटर मैग्नेटिक स्पेस के ऊपर और इसका एक महत्वपूर्ण रोल है स्पेस वेदर के ऊपर भी ये सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है द सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड (SMMF) रिफर्स टू द एवरेज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सर्फेस ऑफ सन जो सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड है ये रिफर करता है जो एवरेज स्ट्रेंथ और डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का सर्फेस में सन के क्या फाइंडिंग पाया गया द रिसर्च फाउंड आई strong सिमिलैरिटी बिटवीन दी सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड एट क्रोमोस्फेरिक हाइट एंड सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड एट फोटोस्फेरिक हाइट सजेस्ट दैट दिस सन प्राइमोरियल मैग्नेटिक फील्ड कूड बी दी ऑफ सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड और जो रिसर्च है उन्होंने पाया है बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी जो आपका सोलर विन मैग्नेटिक फील्ड एस एम एम एफ है क्रोमोस्फेरिक हाइट पे और जो आपका फोटोस्फेरिक हाइट पे उसके बीच में और ये सजेस्ट करता है कि सन का जो प्राइमोरियल मैग्नेटिक फील्ड है वो सोर्स हो सकता है आपका सोलर विन मैग्नेटिक फील्ड के लिए समझ के जो सोर्स है और जो ड्राइविंग पैरामीटर है इसके पीछे का ये इनहेंस कर रहा है हमारे अंडरस्टैंडिंग को कि किस तरीके से ये इफेक्ट करता है आईएमएफ और स्पेस वेदर को यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दर्शाया गया स्ट्रक्चर ऑफ सन कोर जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन है जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है रेडिएशन के माध्यम से कन्वेक्शन जोन जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन के माध्यम से फोटोस्फेयर ये डीपेस्ट पार्थ है सन का यहाँ पे डायरेक्टली जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रोमोस्फियर नॉर्मली इनविजिबल होता है और इसको देखा जा सकता है टोटल एक्प के दौरान और जो आपका कोरोना है ये ल्यूमिनस एनवलप होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है प्लाज्मा पे जो साउंड करता है सन को क्या एप्लीकेशन है सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड का ये भी हम समझ ले तो जो सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड है उसका बहुत सारा एप्लीकेशन है स्पेस वेदर के फील्ड पे फॉर एग्जाम्पल बाय स्टडी सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड साइंटिस्ट कैन बेटर प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिन सच एज सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन इसका बहुत सारा उपयोग है जैसे कि स्टडी करके सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड को साइंटिस्ट अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएंगे जो फिनोमिनन है सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन का ये जो इवेंट है इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जिसके कारण जियो मैग्नेटिक स्टॉम डिस्ट्रप्शन होता है सेटेलाइट कम्युनिकेशन एंड पावर ग्रिड पे तो यह हमें पता चल पाएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ताइवान स्ट्रेट हम जानेंगे ताइवान स्ट्रेट के बारे में दी ताइवान होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया एंड इंडिया इज वेल पोजिशन टू लीड अ कोलेबरेटिव एफर्ट एम इंडो पैसेफिक स्टेट टू इन्श्योर पीस इन द्रुशियल सी रूट टाइवन स्टेट है यह होल्ड करता है एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस को भारत के लिए और इंडिया जो है अच्छे पोजिशन में है लेड करने के लिए कोलेबरेटिव एफर्ट को इंडो पैसेफिक स्टेट में ताकि इन्श्योर किया जैसे कि पीस को इस क्रूसियल सी रूट पे द स्टेटस ऑफ टाइवान रिमेन द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कंटेंशन फॉर चाइना विच ब्लेम दू एस फॉर हिंदरिंग इज गोल ऑफ री यूनिफाइंग टाइवान विथ हिज मेनलैंड जो स्टेटस है ताइवान का ये प्राइमरी पॉइंट है कंटेंशन का चाइना के बीच में जो कि ब्लेम करता है यूएस को कि वो हिंडर कर रहा है जो चाइना का गोल है री करने का ताइवान को उसके अपने मेनलैंड के साथ नहीं ताइवान स्टेट इज वन एटी किलोमीटर वाइड स्ट्रेट सेपरेटिंग दी आईलैंड ऑफ ताइवान एंड कॉन्टिनेंटल एशिया तो ताइवान स्टेट है ये वन एटी किलोमीटर वाइड स्टेट है जो कि सेपरेट करता है जो आइलैंड है ताइवान का और कॉन्टिनेंटल एशिया को इेट इज पार्ट ऑफ दी साउथ चाइना सी एंड कनेक्ट दी ईस्ट चाइना सी टू दी नॉर्थ और जो स्ट्रेट है आपका ये पार्ट है साउथ चाइना सी का और ये कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी को नॉर्थ से दी नोरो किलोमीटर वाइड है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैप बेस्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी स्कीम जो स्पेशल असिस्टेंट दिया जाता है स्टेट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए टू थाउजेंड का इसके बारे में हम जानेंगे पीआईबी जानेंगेआईबी क्रूज इंपॉर्टेंट हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एप्रूव कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल प्रोफेज फिफ्टी करोड इन सिक्सटीन स्टेट इन दी करेंट फाइनेंशियल ईयर तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है इन्होंने अप्रूव कर दिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को 56,415 करोड़ का 16 स्टेट के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रूवल हैज गिवन अंडर जो अप्रूवल दिया गया उसको ये जो स्कीम है इसका टाइटल है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू थाउजेंड ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स होता है क्या पहले हम इसको समझते हैं इट इंक्लूड मनी स्पेंड बाई गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट अपग्रेडिंग रिपेयरिंग ऑफ फिजिकल एसेट लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी एक्वायरिंग फिक्स एंड इंटेंजिबल एसेट रिपेमेंट ऑफ लोन एक्सेट्रा जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये इंक्लूड करता है जो मनी स्पेंड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा डेवलपमेंट या अपग्रेड या रिपेयरिंग में फिजिकल एसेट का जैसे कि हेल्थ हो गया एजुकेशन फैसिलिटी हो गया एक्वायर करने के लिए फिक्स या इंटेंजिबल एसेट को रिपेमेंट के लिए लोन को एक्सेट्रा इन सब ऑफ दी गवर्नमेंट हेज बी दी प्राइम द एवर इन द इकोमी इन रिसेंट ईयर बिकॉज प्राइवेट सेक्टर हैज नॉट बीन इन ए पोजिशन टू इन्वेस्ट ड्यू टू पुअर डिमांड एंड हाई इन्फ्लेशन जो तो कैपेक्स है गवर्नमेंट का ये मेन ड्राइवर है इकोनॉमी के लिए हाल फिलहाल के सालों में क्योंकि तो जो तो प्राइवेट सेक्टर है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर पाए पुअर डिमांड और हाई इन्फ्लेशन के कारण इन फाइनेंशियल ईयर 23 थ्री सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीडेड दी गवर्नमेंट रिवाइज एस्टिमेट ऑफ रूपीज सेवन पॉइंट टू एट करोड़ बाई रूपीज एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 23 में जो सेंटर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये एक्सिड कर गया है जो गवर्नमेंट का रिवाइज एस्टीमेट था 7.28 लाख करोड़ का इसको एक्सिड करके रूपीज एट करोड़ अधिक हो गया है सिग्निफिकेंस क्या है इस कैपेक्स का लॉन्ग टर्म इन नेचर लीड टू क्रिएशन ऑफ एसेट एंड एलो द इकोनॉमी टू जनरेट रेवेन्यू फॉर मेनी ईयर ये लॉन्ग टर्म होता है नेचर पर जिसके कारण एसेट क्रिएट होता है और ये एलो करता है इकोनॉमी को कि वो जनरेट करे रेवेन्यू को बहुत सालों तक एड और इम्प्रूव प्रोडक्शन फैसिलिटी इंक्रीज लेबर पार्टिसिपेशन बूस्ट ऑपरेशनल एफिशियंसी एंड रेज द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर इन फ्यूचर ये एड करता है और इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंक्रीज करता है लेबर पार्टिसिपेशन को बूस्ट करता है ऑपरेशनल एफिशियंसी को और रेज करता है जो कैपेसिटी है इकोनॉमी का ताकि प्रोड्यूस किया जा सके कि और ज्यादा इन फ्यूचर पे रिपे करता है लोन को जिससे की लाइबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है कैपेक्स वर्सेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कैपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि सैलरी हो गया इम्प्लॉय का इंटरेस्ट पेमेंट हो गया पास डेप पे सब्सिडी पेंशन एक्सेट्रा जो है ये रिक्यूरिंग होता है ने दर, नेचर पे और ये जो है नहीं क्रिएट करता है किसी भी एसेट को ना ही रिड्यूस करता है लाइबिलिटी को गवर्नमेंट का क्या कंसर्न है कॉन्फ्लिक्ट जो है कैपेक्स और पब्लिक स्पेंडिंग को लेकर जैसे कि कैपेक्स जो है 14.2 परसेंट है बजट एस्टिमेट का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 पे गवर्नमेंट ने कट कर दिया पब्लिक स्पेंडिंग को सार्पली ताकि वो पूरा कर सके अपने डेफिसिट टारगेट को ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जो कैपेक्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो बजट है उसको कम किया जाता है पब्लिक स्पेंडिंग को स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू थाउजेंड स्कीम तो जो स्पेशल असिस्टेंट की बात कही गई स्टेट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये जो स्कीम इस है इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2023-24 में ताकि स्पेशल असिस्टेंट दिया जा सके स्टेट गवर्नमेंट को 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पे, ओवरऑल सम जो है इसका वो 1.3 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड के लिए जरूरत ही इसको लॉन्च किया गया देखते हुए जो हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का और प्रोवाइड करने के लिए बूस्ट को कैपिटल स्पेंडिंग का स्टेट के लिए इसका बैकग्राउंड को हम समझ ले पहले ये जो स्कीम है इसको पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था 2020-21 में कोविड 19 पेंडेमिक के वेकअप के दौरान जो फ्लेक्सीबिलिटी और सिम्प्लिसिटी है इस स्कीम का इसको डिजाइन किया गया है अनप्रेज फॉर्म स्टेट के रूप में यहाँ पे सिमिलर स्कीम जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे भी क्या कॉम्पोनेंट है तो इसके कॉम्पोनेंट को हम समझते हैं पार्ट वन जो कि लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट है इसमें एलोकेट किया गया वन लाख करोड़ को यह एलोकेट किया जाएगा स्टेट को प्रोपोर्शन में उनका जो शेयर है सेंट्रल टैक्स के लिए और जो ड्यूटी है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के अनुसार उसके अनुसार ही उनको एलोकेशन मिलेगा पार्ट टू रूपीज थ्री थाउजेंड करोड़ जो है उसको अलग से रखा गया है प्रोवाइड करने के लिए इंसेंटिव के रूप में स्टेट को जो स्क्रैप करेंगे स्टेट गवर्नमेंट व्हीकल को और एम्बुलेंस को पार्ट थ्री और फोर जो है इसका मकसद है प्रोवाइड करना इंसेंटिव स्टेट को ताकि रिफॉर्म लाया जा सके अर्बन प्लानिंग और अर्बन फाइनेंस में पार्ट फाइव का मकसद है इंक्रीज करना हाउसिंग स्टेट को पुलिस पर्सनल और उनके फैमिली के लिए पुलिस स्टेशन पे अर्बन एरियाज के पार्ट सीट प्रमोट कर रहा है नेशनल इंटीग्रेशन को मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करके यूनिटी मॉल को हरेक स्टेट में पार्ट सेवन जो है ये प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंट को स्टेट को ताकि वो सेटअप कर सके से लाइब्रेरी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पंचायत और वार्ड लेवल पे नीड फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू तो स्टेट इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर क्यों आवश्यकता पड़ी स्पेशल असिस्टेंट की स्टेट को इस करेंट फाइनेंशियल ईयर पे तो बहुत सारे स्टेट जो है जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया महाराष्ट्र हो गया उत्तर प्रदेश हो गया केरला हो गया ये सब फेल कर गए नहीं पूरा कर पाए जो टारगेट था उनका एक्चुअल कैपेक्स को लेके जो बैंक ऑफ बड़ौदा का रिपोर्ट है उसके अनुसार 25 स्टेट में से 14 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 25 परसेंट से कम टारगेट को पूरा किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए तो इस कारण ऐसा करना पड़ा यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं जो स्पेशल असिस्टेंट की बात कही गई है स्टेट को तो किसको कितना असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कौन से स्टेट को तो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है डेट ऑल फॉर डेली करंट अफेयर से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें these are our social media links from here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback thank you and have a nice day